हेलो गाइस, आपके लिए लेकर के आई हूँ एक छोटा सा सस्ता सा और बहुत ही अच्छा ऐसा गिफ्ट जो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, बहुत पसंद आएगा। क्योंकि इसमें एक्चुअली इस हफ्ते का सस्ता है और इसमें आपका एफर्ट लगने वाला है जो कि वो काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसा एक कार्डबोर्ड पेपर लेना है। अब इसके अंदर मैंने कार्डबोर्ड पेपर तो मैंने चिपका दिया है, सॉरी मैं वो प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैंने वो कंप्लीट कर लिया था और वो किसी न किसी वजह से मेरी वो क्लिप हो गई है। तो ये कार्डबोर्ड पेपर आपको ले लेना है, या फिर जो दफ्ती होती है आपके, कोई भी पुराने घर की दफ्ती होती है वो लेना है। क्योंकि यार देखो, बजट में आनी चाहिए आपके। ठीक है, हम लोग ऐसे तो है नहीं कि भाई अमीर है, बहुत अमीर है। नहीं, जब से कोरोना आया सबको पता है कि हम सब कितने गरीब हो चुके हैं। तो आप वो कार्डबोर्ड पेपर लीजिए और रेड कलर का पोस्टर आता है, आप रेड कलर का पोस्टर यूज करिए। पोस्टर काट करके आप इसको पूरी तरीके से कवर कर दीजिए। और इधर ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक पेपर्स मिलते हैं जाके स्टेशनरी शॉप में, तो वो आपको ऐसे ब्लैक पेपर्स देंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक दिस। आपको ये 20 या 10 का ऐसे चार्ट पेपर बन के मिलेगा। तो आप ये पेपर्स ले लीजिए, पे आपको ये चिपका देना है। ये आपका दफ्ती कवर रेडी हो गया। पेज पंचर होता है, मेरी दोस्त है ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करी, तो उसके पास में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं। तो मैंने उसे उधार खाते मांग करके मैंने बस ये इनपे छेद कर लिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये बाद में मतलब खरीद लोगे तो यार काम नहीं आने वाली है। पड़ती है 80-86 की, अगर आप चाहते हैं, अगर आप आर्ट क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी दुकान वाले के पास जाकर के, वो तो भैया जी बस छेद कर दो, कर देंगे सिंपली। तो ये पेपर्स आपके तैयार हो गए। ये आपका कार्डबोर्ड पेपर हो गया, जो कि ऐसे तैयार करना है। इसका ये 30 सेंटीमीटर लिया था एंड ये मेरा 21 सेंटीमीटर था। तो ये आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि आप कैसे दफ्ती यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। देन ये तैयार हो गया। आप बोलेंगे ये कैसे तैयार हुआ, तो ये तैयार करना तो आ गया आपको, राइट। अब एक्चुअली इसमें क्या करना है कि आप, अब ये मैंने कहां से लेकर के आया, वो स्टिकर्स हैं बहुत महंगे मिले होंगे जी, नहीं तो मैंने ऐसे फोटोज निकलवाए थे। और मैं आपसे भी ये बात बोल रही हूँ कि आप भी ऐसे फोटोज निकलवाइएगा कोलाज बना करके। कोलाज बनाने से क्या होगा कि आपका पैसा कम लगेगा। लाइक एक फोटो तो आपकी निकलनी है, तो आप जब कोलाज बनाएंगे तो छोटे छोटे फोटोज निकल आएंगे। बड़ी फोटोज लगाने का को कोई मतलब नहीं दिखता है, फिर बड़ी फोटोज भी लगा सकते हैं आप। ये देखिए किनारे का, ये फोटोज का एरिया आया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने उनको काटा ऐसे, फेंकने वाली थी। और अब इसके लिए मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ कुछ मैंने कहा था तरिया कचड़ा है लेकिन अपने काम का है यार। तो मैंने क्या किया, ऐसे छोटू छोटू सा, ये देखिए छोटू छोटू सा दिल काट लिया उससे। ठीक है, ऐसे क्या करना है आपको, बस लेना है सिंपली। इधर से तो आप काट नहीं पाओगे, ऐसे करना है। यहाँ पे एक हार्ट शेप बनाना है। और देन अब ये नहीं सोचना है कि आप बहुत ही अच्छा बनना चाहिए, नहीं, नॉर्मली नॉर्मली बस आपको बनाना है और उसको कट डाउन करना है और इनको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्चुअली, हम ये कहाँ से लेंगे, ये नहीं मिलने आते हैं। ये एक्चुअली मैंने बहुत ढूंढा था, इलाहाबाद में थी मैं ऑनलाइन, उससे तो लीफ रिंग्स या फिर की रिंग्स करके, तो ऐसे करके आपको छल्ले मिल जाए। इनमें क्या होता है ना कि अलग 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 साइज के होते हैं, तो साइज आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कैसा फाइल्स बना रहे हैं, कितना मोटा बना रहे हैं, कैसे क्या बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये मंगाना है। देन अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमारा ये तैयार हो गया, ये पेपर्स भी हमने खरीद लिए। ओके, अब हमें करना क्या है, इन पेपर्स में ऐसा क्या करना है कि जो एक यादगार बन जाए, ऐसे लम्हा टाइप का। ठीक है, ये फोटो लेनी है, फोटो ऐसी रहेगी, कट डाउन करना है। मैंने ये बता दिया कि किस काम में आने वाला है आपके। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी कुछ ऐसी छोटी छोटी सी मेमोरीज हो जाएंगी। देखिए छोटी छोटी सी मेमोरीज हो जाएंगी। ये मेरी बेस्टी है, ये मेरी बेस्टी है, ये मेरी बेस्टी है, शादी होने वाली थी, तो लाइक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था हम लोग के लिए। तो ऐसी फोटोज कलेक्शन, ये मेरे इलाहाबाद की दोस्त है, इलाहाबाद की फ्रेंड्स है, तो ये ऐसी कैसे पिक्चर्स आप करा सकते हैं या फिर कर सकते हैं, जो भी आपकी मेमोरी में हो और जो भी आपके पास फोटोज अवेलेबल हो, उन सारी फोटोज को आप निकलवा देंगे। पेज तैयार करना है, ठीक है, आप उनको पेस्ट करेंगे और फिर लिखेंगे। अब व्हाइट पेन आता है, आपको ऑनलाइन मिलेगा या फिर एक स्टेशनरी शॉप में ही मिलेगा, तो ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है आपको। ये अराउंड 60 to 100 रुपीज में अंडर में आ जाएगा। ये बात डिपेंड करते हैं कि अगर आप कार्ड आप अगर कार्ड पेपर ये दफ्ती बाहर लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आपके घर में ही आप कुछ जुगाड़ करके कुछ आइडिया निकाल लेते हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये पेन बहुत ही मस्त है, ये ऐसा पेन खरीद लीजिए और काफी काम आता है, लाइक बहुत कूल है। मुझे तो बहुत कूल लगती है ऐसी चीजें, कुछ अलग तरीके की चीजें अपने पास रखना। ब्लैक
पेज पे राइट कर सकते हैं। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेज यूज करना चाहते हैं, पेज वाइट भी यूज कर सकते हैं, मेमोरीज हो गई आप इन मेमोरीज को लिख सकते हैं, फिर उस मेमोरीज को याद करते हो आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, आप अपने दोस्त से मैसेज लिखवा सकते हैं और इस तरीके से आपके पास एक बहुत ही अच्छा मेमोरी तैयार हो जाएगी और एक बहुत ही अच्छा आपका खुद का स्क्रैप बुक कह लीजिए आपका या फिर फोटो एल्बम बुक कह लीजिए आपका तैयार हो जाएगा। आप बना करके देखिए, आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करिए, देखिए उन्हें कैसा लगता है और बहुत ही सस्ता है, बहुत ही किफायती है, थोड़ा सा आपका एफर्ट लगेगा। आप यहाँ पर अपनी पसंद का या अपने दोस्त की पसंद का पोस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अंदर के जो पेजेस हैं ये आप सफ़ेद भी ले सकते हैं या फिर आपके आसपास जो भी पेज अवेलेबल हो वैसे पेज ले सकते हैं। ऊपर स्टिकर में भी आप नए नए स्टिकर ले सकते हैं किसी भी पसंद का। और ये छल्ला अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप रिबन या फीती का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपकी स्क्रैप बुक तैयार हो जाएगी मेमोरी इकट्ठी करने के लिए इस नए साल में। अगर ये आप गिफ्ट बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो प्लीज मेरी इंस्टा आईडी उस पे मुझे टैग करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।